दान श्रेष्ठ दान, इस बात को चरितार्थ करते हुए एक सुखद खबर आ रही है मुंबई के कांदिवली इलाके से, जहां 5000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को राशन बांटने का काम श्री जय जलाराम राम रोटी भंडार ट्रस्ट और नर्सिंग ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पे हमारी विशेष खबर। राम रोटी ट्रस्ट की तरफ से पिछले 1973 से ये डेली भंडारा होता है, और इसमें कोरोना वायरस के लॉकडाउन के माहौल में डेली खाने का भोजन और राशन का किट दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जब ये हमारे पूरे विश्व में भारत में जब स्टार्ट में ये लॉकडाउन का आदेश 22 तारीख को मोदी जी ने कहा था, उस समय बहुत सारे लोग कहा कि महाराज इसको बंद करो, क्योंकि यहाँ रोज का 100-200 आदमी का भोजन होता है, और वो 100-200 आदमी भोजन होने के बाद लोग कहाँ कहाँ से आएंगे। मुझे लोगों ने बहुत सारे ने सुझाव दिया, पर हमारा जलाराम बापा ऐसे कि 73 से हमारा इधर जो लंगर चल रहा है रोज़ कुछ भी हुआ, अभी हम तारा बंद नहीं हुआ, अखंड चल रहा है इतने वर्षों से, 46 साल से। हमने सोचा कि मेरा मन नहीं मान रहा था कि बंद किया जाए, फिर मैंने एक और दूसरों से सलाह लिया अपने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं इनको हम पार्सल करेंगे, बनाएंगे यहाँ से पार्सल करेंगे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका पालन करेंगे, उससे हमसे रोज़ का यहाँ 300 लोगों को रोज़ भोजन होता है। और फिर नर्सिंग ग्रुप है हमारे जो ट्रस्ट के श्री जयराम भंडार ट्रस्ट मंगलदास मार्केट के लोग हैं, फिर नर्सिंग ग्रुप के जो लड़के लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे परिवार में ये नहीं है, अनाज नहीं है, उन लोगों का भी नहीं है जो रोड पे मांग रहे हैं, क्योंकि हर आदमी रोड पे खाना ला के दे रहा है, वो लोग खा रहे हैं, मगर जो अंदर चाली में और मांग भी नहीं सकते हैं, रोजी रोटी रोज़ करते हैं, रोज़ कमाते हैं, तथा नौकरी करते थे, अभी दुकान बंद है, घर पे है, कोई सेट नहीं दे रहे हैं, उनको मदद नहीं करते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा। फिर हमारे नर्सिंग ग्रुप लड़कों ने, और इसमें सूर्य रतोड़ी है और संदीप और इनके सब टीम है, इन्होंने ये करके आशुष ने सब लोग ने, और तो इन्होंने सब ने पूरा यहाँ पर मीटिंग किया। मीटिंग बैठक के बाद हमने सोचा कि क्या करें, फिर हम लोगों ने कम से कम इस टाइम हमारे इनके लोग हम लोगों का दोनों ट्रस्टों का लक्ष्य है कि 5000 परिवारों को घर घर में जाके दिया जाएगा, और हमने यहीं पर कुछ ऐसा रखा है कि कहीं जो ये है रेड जोन जैसा घोषित किया तो वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, तो हमने पुलिस से इसके बारे में बातचीत किए, और पुलिस उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, और हर घर में हर परिवार में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, हमारा ध्येय है। और जलाराम बापा भी यही कहें कि भाई मनुष्य मानव सो ईश्वर का रूप है, उसी को हम सेवा करते हैं। अभी आपने देखा कम से कम 15-20 मुस्लिम परिवार था, 15-20 और थे अदर्स थे, और कुछ लोग जिनके पास रोज़ बेगारी काम करते हैं, मिस्त्री काम करने के बाद अभी काम नहीं, तो हम लोग उनको भी दे रहे हैं। और ऐसा 5 किलो चावल है, 5 किलो दाल आटा है, 1 किलो दाल है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो तेल है, और नमक 1 किलो, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब तक कितने परिवारों को दिया जा चुका है राशन का किट, और कितने लोगों को पर डे खाना खिलाया जाता है? पर डे 200-250 परिवारों का लोगों को भोजन किया जाता है, और 3000 जितना परिवार में अभी तक चला गया है, 2000 और हमारा लक्ष्य है। मुंबई में लॉकडाउन बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे, तो आगे भी क्या इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहेंगे? हाँ, जो हमको जब तक ईश्वर और हमारे पीछे जो हमारे भगत और डोनर हमारे हैं, उन लोगों ने हमने कहा कि भाई हम लग रहा है कि 3 मई को पूरा नहीं हो, आगे बढ़ने का मुझे लग रहा है अंदाजा है, जिस तरह से ये आ रहे लोग टीवी के समाचार आ रहे हैं, तो हम लोग इसके भी आगे हम तैयार हैं कि हमें जो एकदम ज़रूरतमंद होगा, और आपके माध्यम से भी बहुत सारे इसमें ऐसा हो रहा है, घर में राशन मिल रहा है, राशन कार्ड है, हम चाहते हैं जिसका राशन कार्ड ना है, जिसका जो भाड़े पे है पहला उनको दिया जाए, जो बेरोजगार है, जो बेगारी का काम करते हैं, दुकान में काम करते थे एक इसके लिए सेल्स बॉय, ऐसे लोगों को हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि श्री जयराम रोटी भंडार ट्रस्ट जो जलाराम बापा का मंदिर है, वहाँ से हमने नर्सिंग ग्रुप का भी स्टार्टिंग किया था, तो हमारा सबसे पहला मोटिव यही था कि भाई लोगों की सेवा करना। और अब जैसे कि कोरोना वायरस का जो चल रहा है कहर अब पूरे इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों के पास खाने का राशन नहीं है, खाना नहीं है। अब जो रोड पे रहते हैं, तो हम यहाँ पर 300 लोगों का बन रहा है, और हम 400 लोगों का कांदिवली ईस्ट और कांदिवली वेस्ट में पार्सल पहुँचा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि मतलब पब्लिक आ नहीं सकती है, और हम उनको डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे फैमिली जो डेली वेजिस पे अर्न करते थे, जैसे कि और जो लेबर क्लास के थे, तो वो ना मांग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो उनको भी हम राशन पहुँचाने का हमने पूरा जवाबदारी उठाया। तो धीरे धीरे करके हमने ऑल ओवर मुंबई राशन जितना हो सकता था हमारे से जितना हो सकता था हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और जैसे कि अभी जो रेड जोन एरिया है, अभी सीनियर साहब आए थे,
तो अब जैसे कि जो रेड जोन एरिया है, उन्होंने वही बोला कि वो रेड जोन एरिया में भी मतलब जो जहाँ जहाँ हम पहुँचा सकते हैं पुलिस वालों की मदद से, हम वहाँ पे पहुँचाए। और बल्कि नर्सिंग ग्रुप में जो भी अलग अलग हमने मेन मेन एरिया के हेड जैसे रखे हैं, जैसे कि गणेश नगर लालजी पाड़ा बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, तो वहाँ पे संदीप भारती, साने आलम खान और अमित पांडे, तो वो सब वहाँ पे डेली मतलब अभी पहुँचाना का काम, राशन पहुँचाने का काम वहाँ पे चालू कर देंगे। और जैसे कि जो आजूबाजू के हौज स्लम हिट एरियाज हैं वहाँ पे भी हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और डेली यहाँ पे खाना तो पहुँच ही रहा है। आप एक खुद एक एडवोकेट हैं, तो क्या संदेश देते हैं आप जैसे लोगों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान, इस बंद के दौरान किस तरह का सहयोग लोगों को करना चाहिए, क्या आह्वान है आपका? हमारे श्री जयराम रोटी भंडार ट्रस्ट और नर्सिंग ग्रुप के द्वारा यही आह्वान है कि हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ तक मतलब जितना ज़्यादा हो उतना आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और सबसे पहले तो सोशल मीडिया बंद करो कि ये हो गया वो हो गया, ये फेक न्यूज़ सोशल मीडिया में पहुँच जाती है और लोग बाहर आ जाते हैं। अगर किसी के लिए नहीं तो अपने खुद के लिए और अपने खुद के परिवार के लिए, अपने जान बचाने के लिए आप बाहर मतलब बाहर आने से बचिए, परहेज करिए, क्योंकि अगर जान रहेगी तब आगे रहेगा, जान नहीं है तो फिर क्या है। और सबसे यही आह्वान करता हूँ, अब जहाँ पे भी तकलीफ होगी आप हमें बताइए, हम वहाँ पर राशन खाना जो हमसे बन पड़ेगा हम वहाँ पे पहुँचाएंगे। और जितने भी अदर स्टेट से या आउट ऑफ मुंबई से लोग आए हुए हैं, जो यंग एडवोकेट हैं मतलब जो जूनियर एडवोकेट हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा कि जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कि कोई भी चीज़ में फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी हमको कॉन्टैक्ट